Yeah, so good morning everyone, welcome back to our channel Informatica. So basically today I'm going to talk on another IT topic that is all about business technological analyst at Deloitte. So basically as a fresher from a non-coding background, मतलब कि coding कम कम आती है, so definitely आप लोग dream कर रहे होंगे इस company को, private colleges से हो, मीन्स सीएससी ब्रांच से नहीं हो, कोडिंग सीपी उतना किया नहीं है, सो डेफिनेटली यू माइट बी थिंकिंग दैट यार बीटीएफ प्रोफाइल मिल जाए तो यू विल बी गेटिंग मीन्स अ डिसेंट कंपनी एंड अ डिसेंट पैकेज, मतलब दिस पैकेज इज गुड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन बिकॉज डेलॉइट पे इज एन हैंडसम पैकेज एज कम्पेयर टू एनी अदर आई टी इंडस्ट्री फॉर अ फ्रेशर. सो बेसिकली मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वॉट इज बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एनालिस्ट and technology analyst and what are their works in the company and how, what is the recruitment process, how you have to go through the recruitment process and how you get selected over there. We will also talk about what kind of work you have to perform in the company after getting the job. You should know that what kind of work definitely you have to do in the company, so that will definitely prepare you for the next after six months after the placement that you are definitely going to get. And also I will talk about the compensation and benefits that Deloitte gives you, and at the end life at Deloitte I will try to tell you all about. So chaliye video ko shuru karte hain yahan se. Ab aapko baat karte hain ki iski recruitment process hoti kaise. You might be thinking that what is the recruitment process, so just keep in the mind, listen carefully. Very simple. जब आप डेलॉइट की फॉर्म को अप्लाई करते हैं अपने कैंपस के थ्रू, इन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ कैंपस की भी सेम प्रोसेस है, बट आई एम 100% श्योर अबाउट द इन कैंपस प्रोसेस, सो आई एम टेलिंग यू इन द सेम वे, एंड आई एम ऑल्सो 99% श्योर दैट ऑफ कैंपस इज ऑल्सो फॉलोड इन द सिमिलर वे. तो आप बताते हैं कि जब आप जा रहे हो कैसे क्या क्या प्रोसेस है आपको उसके लिए. तो सबसे पहले आपको एक एमकैट की लिंक आएगी और वो एग्जाम की ड्यूरेशन होगी अराउंड 1 or 1.5 hours, that means 1.5 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें आपसे सिंपल एप्टीट्यूड, बहुत ही सिंपल, सेकेंडली लॉजिकल वर्बल और कुछ पैसेजेस होंगे जो पढ़ के आपको अपनी सोल्यूशन देनी होगी. जो सिंपल एमकेट एग्जाम होती है ना, सिंपल एमकेट पे प्लेटफॉर्म पे आपकी एग्जामिनेशन होगी. ठीक है, एग्जामिनेशन मान लो आप लोग दे दिए, अब क्या होगी कि कॉलेज में अगर 2000 बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो अराउंड 200 to 250 लोगों की नाम आएगी जो कि नेक्स्ट ईयर ऑफ राउंड के लिए होगी. ठीक है, तो रिटर्न राउंड आपकी ख़त्म हो गई, 200 से मतलब कि 10% लोगों की नाम नेक्स्ट राउंड के लिए आ गई, तो क्या आप डायरेक्ट वो लोगों को इंटरव्यू में बैठा दिया जाएगा. मैं बीटेक के परसेप्शन से बात कर रहा हूँ, बीटेक वाले को डायरेक्ट इंटरव्यू पे नहीं बैठाते, उसके पहले जैम जीडी कुछ भी एलिमिनेशन राउंड होती है. अब जैम क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक जस्ट अ मिनट मीन्स लाइक सपोज यू विल बी गेटिंग वन टॉपिक ओवर देयर, लाइक टेल मी दैट स्कूल शुड बी ओपन और नॉट इन द कोरोना वायरस. यू शुड स्पीक 1 minute कंटिन्यूसली विदाउट रिपीटिंग द थिंग्स, सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्ट गो ओवर द गूगल एंड सर्च वॉट इज जस्ट अ मिनट. आई एम टेलिंग इन द सिंपल वे, आपको पूरा बोलना है 1 minute उस टॉपिक के बारे में बिना किसी सेंटेंस को रिपीट किए हुए, मतलब मीनिंग्स अलग अलग होनी चाहिए. तो आप लोग जस्ट अ मिनट दे दिए, उसके बाद फिर कुछ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे उसमें. एलिमिनेशन के बाद जीडी डिपेंड करता है एज पर द क्राउड कि जीडी होगी या नहीं होगी. तो अब आते हैं नेक्स्ट ईयर ऑफ राउंड में, अब आपकी होती है इंटरव्यू. इंटरव्यू जनरल क्वेश्चन अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, ऊप्स कॉम, मतलब जो भी सीवी में मेंशन किया हुआ है आपने, ऊप्स जावा सी प्लस प्लस, जनरल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. बट इनफैक्ट बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो लोग ज़्यादा टेक्निकल पूछे ही नहीं, प्रोजेक्ट्स और जनरल मतलब कि एक्यूमेंट बिजनेस एक्यूमेंट चेक करके छोड़ दिया गया, एंड दे ऑल्सो क्लियर्ड बाई गिविंग अ सिंपल वे. बट हाँ, बहुत लोगों के साथ अंदर टेक्निकली प्रोजेक्ट्स के बारे में, डीप प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे. टोटली डिपेंड अपॉन द पैनल दैट यू आर गेटिंग एंड टोटली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पर्सन हाउ यू आर मोल्डिंग द इंटरव्यू एंड ऑब्वियसली टोटली फाइनल थिंग्स डिपेंड ऑन हाउ यू परफॉर्म एंड वॉट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग एंड ऑल अबाउट योर लक एंड द टाइमिंग एंड योर नॉलेज दैट यू हैव गेन ओवर द पास्ट ईयर्स. तो यहाँ तक आप लोगों ने ख़त्म कर दिया जैम क्लियर.
GD khatam. GD depends on the crowd, I shall tell you after tech interview one. अब देखिए दो प्रोफाइल है, एक है मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल साइड की प्रोफाइल है, उसमें एक राउंड और होती है. एंड अगर यहाँ तक आपने BTA प्रोफाइल में क्लियर कर दिया तो फाइनल रिजल्ट आएंगे और उसके बाद आपको एक मीटिंग लिंक आएगी और दैट विल बी अ ऑसम सरप्राइजिंग टेलिंग यू दैट यू आर इंडिपेंडेंट नाउ. मीन्स सम काइंड ऑफ फन एक्टिविटी एंड दे विल इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्लेस्ड इन डेलॉइट. सो दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. अब मैं बताता हूँ आपको काम क्या करना होगा डेलॉइट में. चलो डेलॉइट तो हो गया, but as a BTA profile you know that what you have to do over there. Definitely you are not knowing. So basically it's not like that you have to go in total business at all. It's not like that. They are picking up technology student. It doesn't mean they should just put you in some business. Means it is everywhere the world is running with the business, and right now business are being connected with the technology to make it pace with the current world. Just take an example of a Zomato. Zomato is also a business and it is having a lots of technical support like your app. Many things can be there. So I'm don't go on the Zomato app. You don't have to do anything over there. I'm just telling you will be provided with the but few domains, like it can be SAP, SFDC, anything, DuckCrate, anything will be there, and you will be trained on that technology. You should be able to know that tools and you should be able to analyze and solve the business problem related with the help of that tool. Because every business is right now technological supported. And you are as a business technological analyst, you have to solve out the problems. So in a business BTA, just know that you should be very much concerned about the technology. You should be a techie kind. One means it's not like a coding person, you have to do a black screen coding. Yeah, coding is involved everywhere because nowadays automation means coding. It's just a written language to make the things faster. So coding will be there, but don't think that you have to build a Windows or something like a iOS and something like that. Don't go that depth. You will be trained on the technology. You should know about that technology. You should solve the business problem using the technology that you will definitely know after going into the company. Or you may get some graph charts over. Definitely totally depend upon the distribution. They will distribute as per the training results or something, as per what they feel that suits you the best. जैसे कि मैंने बताया ना, IT कंपनी में कभी भी टेक्नोलॉजी गारंटीड नहीं होती कि आपको वही मिलने वाली. तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए कि क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, किस टाइप के काम मिलेंगे आपको, जाके काम क्या करना है. अब फाइनली बात करते हैं कंपनसेशन एंड ऑल पे. तो एज अ फ्रेशर कॉलेज पे कॉलेज वेरी कर रही है, कहीं पे 8.1 तो कहीं पे 7.6 LPA मिल रही है. तो इसकी जो ब्रेकेज है कुछ इस तरह है. अगर आपको 8.1 मिल रही है, चलिए 7.6 पे पहले बात करते हैं. 7.6 में 1 lakh इज अ ज्वाइनिंग बोनस, 60,000 इज अ वेरिएबल पे, एंड रेस्ट 6 lakh इज योर फिक्स पे दैट यू विल बी गेटिंग मंथली. ओके, सो इन द फर्स्ट मंथ यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1,50,000. या डेफिनेटली बिकॉज 50,000 नो 45 एंड 1 दैट इज अ 1.45 because you will be getting a 1 month salary and along with that joining bonus. After that it will be 45 and the 60,000 variable will be paid to you quarterly or the as per the company policies. So compensation maine 7.6 BTech wale ke liye baat kar liya, aur wahi 8.1 mein aapki jo joining bonus ho jati hai wo 1.5 ho jati hai. Bahut sare colleges mein 8.1 ki package milti hai. To maine packages pe baat kar li, maine baat kar liya ki kaise क्या काम आपको वहाँ पे जाके करना होगा. और उसके पहले मैंने ये भी बात कर लिया कि कैसे आप लोग डेलॉइट को क्लियर कर सकते हैं. नाउ अब बात करना चाहूँगा हाउ इज डेलॉइट एज अ कंपनी. सो एज अ फ्रेशर इफ आई एम टॉकिंग दैट हाउ इज डेलॉइट एज अ कंपनी, सो इज ऑसम ऑसम प्लेस टू लर्न एंड ऑसम प्लेस टू एक्सप्लोर एंड ऑसम प्लेस टू मीन्स गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द कंपनी बिकॉज इट पे डिसेंट एज यू आर कंपेयरिंग विद एनी ऑफ द IT इंडस्ट्री राइट नाउ. It is paying you the decent amount as a fresher right now. Means the pay is markable. But yes, I have heard little bit of work pressure are there. But yes, yaar, as a fresher, har jagah work pressure hai. Kyunki aapko seekh nahi hai. Aisi nahi ki dusre industries mein pressure nahi hai. But haan, yahan pe pressure ke saath saath aapko paise, jo compensation wo kaafi achhe milenge. And it is a employer friendly. Matlab employer ke taraf wali company hai. So no issue in all those. Sab kuch achha hai. Aur अगर और भी आपको कोई क्वेरीज है डेलॉइट से रिलेटेड, यू कैन पिंग मी अप इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी कनेक्टिंग यू विद ऑल द डेलॉइट पीप्स और आई विल बी गेटिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एज पर यू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, डेट कब क्या सीन है, क्या चीज़ है, कैसा है.
और कोई भी रीजन से अगर ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग द फ्रेंड ग्रुप दोज वर सेलेक्टेड एज अ बीटीए एंड वांट टू नो व्हाट बीटीए इज ऑल अबाउट। ऑल्सो जो लोग चाह रहे हैं कि कैसे बीटीए बने, बिकॉज बहुत लोगों की ड्रीम होगी, बिकॉज इट्स गिविंग अ डिसेंट पैकेज एज अ स्टार्टिंग एंड अ फ्रेशर एज कम्पेयर टू एनी अदर आईटी कंपनी आईटीएमएनसीज। So for whatsoever the reason you like my video, don't forget to give a big thumbs up, subscribe and share. So milte hain next video mein next IT topic ke saath. Tab tak ke liye bye.